हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ड्रीम स्टडी सेंटर्स। ये आज का जो क्लास है 1C का क्वेश्चन नंबर 24 बताने जा रहा है। ये 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं और क्वेश्चन को समझने के बाद इसका सॉल्यूशन काफ़ी इजी है। यानी क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो सॉल्यूशन काफ़ी इजी है, और क्वेश्चन को अगर जो आप नहीं समझ रहे हैं तो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, इस दोनों बातों के इस वीडियो में हम देखते हैं इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। द मास ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर आजकल सभी के स्टूडेंट या किसी भी पर्सन के घर आज सिलेंडर हो सकता है कि संभवतः है। सिलेंडर जो गैस भरा जाता है वो सिलेंडर करे कि एक सिलेंडर है और उसमें गैस भरा हुआ है, तो उसका जो वेट है, वो गैस का जो वेट है, मतलब टोटल जो सिलेंडर का वेट है उसमें गैस भरा हुआ है, ये 30 kg 250 g है, यानी 250 g है। 30 kg है यानी 30 kg है और 250 g है, माने टोटल गैस भरा हुआ है और उसमें गैस भरा हुआ है सिलेंडर में, और गैस मतलब सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, तो उसका वेट कितना है, 30 kg 250 g। अब कह रहा है सिर्फ जो सिलेंडर होता है जो खाली हो जाता है, एंड द मास ऑफ द इम्पटी, इम्पटी का मतलब होता है जब सिलेंडर से गैस खत्म हो जाता है। अच्छा आप ही बताइए, गांव में सुने होंगे सिलेंडर खत्म हो गया, ये बताइए सिलेंडर कभी खत्म होता है? देखिए गैस खत्म होता है, सिलेंडर खत्म नहीं होता। बहुत से लोगों से हम सुने ऐसे सिलेंडर खत्म हो गया, देखिए तो सिलेंडर खत्म नहीं होता, गैस खत्म होता है। तो ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि जो सिलेंडर है ना वो खाली, मतलब उसमें एम्प्टी है, कुछ नहीं है, तो उसका वेट जानते हैं कितना है, 14 kg 480 g है। तो वो पूछ रहा है कि बताइए कि उसमें ओरिजिनल मतलब गैस है कितना। तो आप ही लोग प्रैक्टिकल बताइए, मान लीजिए सिलेंडर सपोजिट इसमें गैस भरा हुआ है, हम कहे कि 5 kg का है, आइए जो गैस निकाल लीजिएगा ना, आइए जो खोखा बचेगा, खाली सिलेंडर बचेगा, ये जो है 2 kg का है। तो हम कहेंगे कि बताइए इसमें जो गैस भरा हुआ है वो कितना केजी का है, तो आप कहिएगा सर टोटल तो 5 है, आ इसका हाई जो खाली का वेट है, माने खाली है उसका वेट है वो 2 kg है, तो 5 kg में से 2 kg निकल जाएगा, सर गैस 3 kg है। जिसे आप लोग देखिए, आप लोग गाँव में दही खरीदते देखे हैं, तो दही जब खरीदा जाता है तो जो बर्तन में मतलब दही रखा जाता है, सबसे पहले उसको वेट किया जाता है, वेट किया जाता है जो बर्तन जो होता है उसका, और उसके बाद दही रखा जाता है। तो देखिएगा जो बर्तन है उसका भी वेट अलग होता है और दही रहता है उसका वेट अलग होता है। तो दही का बर्तन सही तो दही का दाम देते हैं नहीं, आप क्या करते हैं बर्तन का उसमें से वेट को हटा देते और सिर्फ दही का देते हैं। तो उसी तरह ये क्वेश्चन समझिए, द मास ऑफ सिलेंडर फिल्ड विद द गैस इज 30 kg 250 g, एक गैस से भरा हुआ जो सिलेंडर है वो 30 kg 250 g का है, और कह रहा है कि खाली होने पर उसका जो वेट है माने सिलेंडर का 14 kg 480 g है। तो बताइए इस सिलेंडर में कितना गैस है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन के द्वारा हम बताते हैं। अब देखिए मास ऑफ सिलेंडर विथ गैस, मतलब गैस के साथ सिलेंडर का मास कितना है, देखेंगे मास ऑफ, दिखाई दे रहा है, देखिए अगर दिखाई नहीं देगा तो बोलिएगा लो, हम देख रहे हैं, मैं लाइव जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं यहाँ पर मोबाइल रखा हुआ हूँ और देख रहा हूँ कि मतलब जो भी कमेंट आप कर रहे हैं उसको टोटल हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ, देखिए एक बात और याद रखिएगा, जो भी एक क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना वो कृपया ध्यान देंगे, अच्छा से समझेंगे, नहीं समझ में आता कमेंट करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या है। मास ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, मास ऑफ सिलेंडर दिखाई दे रहा है, मास ऑफ सिलेंडर, ठीक है, मास ऑफ सिलेंडर विथ गैस, यानी जब गैस है तब तो सिलेंडर का वेट कितना है, मास कितना है। तो देखिए उसका मास कितना है बताते हैं, तो ये है 30 kg 250 g, कब, जब गैस भरा हुआ है तब। अब लिखेंगे मास ऑफ, लिखेंगे मास ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी गैस, यानी जब गैस खाली हो जाता है तब उसका मास कितना है, तो 14 kg 250 g। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब आपको लिख देना है मास ऑफ गैस, सिर्फ क्या लिखेंगे, देयरफॉर मास ऑफ
गैस, तो मास ऑफ गैस कैसे निकालेंगे आप लोग समझ गए होंगे। टोटल सिलेंडर का जो वेट है, टोटल सिलेंडर का जो वेट है ये 30 केजी 250 ग्राम, इसमें से माइनस कर देंगे 14 केजी 250 ग्राम। ये 250 नहीं होगा जी, दोनों 250 थोड़ी होगा, ये 480 है ये, ठीक है, सॉरी ये 480 है। तो 250 में से 14 केजी 480 ग्राम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। बहुत से स्टूडेंट को ये माइनस करने नहीं आएगा, तो आइए हम माइनस करके दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 30 केजी, 30 केजी है और कितना है, 14 ग्राम है, 30 केजी और 14 ग्राम है जी। देखिए तब 30 केजी 250 ग्राम, 30 केजी 250 ग्राम, ये केजी 1 ग्राम है, उसमें है 14 केजी और ये है 480 ग्राम। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, आप ही बताइए। 0 से 0 तो 0, ये माइनस करना है तो 15 में से 8 जाएगा बाबू, यानी 15 में से 8 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, तो 7 बचेगा। यहाँ पे 1 होगा तो ले लेंगे वो, तो 12 हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक ले लिए। 11 में से आप ही बताइए 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा ना। यहाँ पे ये हो गया ग्राम, क्या हो गया, ग्राम। यहाँ पे आप ही बताइए एक ले लिए हैं अगर यहाँ पे, तो 9 बचेगा, तो 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 15 केजी। देखिए 15 केजी 770 ग्राम इतना गैस है, समझ गए, गैस कितना है इतना है। आप लोग 30 केजी के जो सिलेंडर लाते हैं ना, तो उसमें 30 केजी गैस नहीं होता है, उसमें लगभग यानी अप्रोक्स 15 केजी ही गैस होता है। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरह से समझ गए हैं, एग्जाम में आएगा तो आपको छोड़ना नहीं है, बहुत ही अच्छे तरह से सॉल्व करना है। ओके चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 25 है, कितना है, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन नंबर 25 को कैसे सॉल्व करेंगे और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को काफ़ी इजी है, लेकिन कब, जब आप समझ गए था। बहुत से स्टूडेंट हैं जो मैं बार बार कहता हूँ, वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, तो इसलिए उनके लिए पूरे डिटेल में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जिस विद्यार्थी को डर लगता है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन से, वो घबराए नहीं और निश्चिंत होकर इसको देखें। चलिए एक क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। 25 फ्रॉम ए क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, जैसे ये कपड़ा है पहने, तो आप लोग भी कोई भी इंसान पहनता है तो वो कपड़ा ही है, और कुछ तो होता नहीं। फ्रॉम ए क्लॉथ 5 मीटर लॉन्ग, ये कपड़ा है उसका लॉन्ग मतलब लंबाई जो है वो 5 मीटर है, माने जो कपड़ा है, ये कपड़ा है, देखिए इसे हम क्लीन करते हैं। ये तो रुमाल, आप कहिएगा रुमाल, तो ये रुमाल जो है ना किससे बना होता है, कपड़ा से बना होता है। तो ये कह रहा है कि जो कपड़ा है वो 5 मीटर लॉन्ग है, कितना, 5 मीटर, और कह रहा है कि जो उसका एक पीस है, पीस समझते हैं, उसका पीस ऑफ लेंथ है, माने लेंथ का जो पीस है वो 2 मीटर 85 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब कह रहा है वो कट कर रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग, उस कपड़े में से क्या बचा। आप ही बताइए कि मान लीजिए को, बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 मीटर लॉन्ग कोई कपड़ा है और उसमें से इतना काट लिया गया 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है कि बताइए कितना कपड़ा बचा। जैसे एग्जांपल बताए हैं, देखिए ये कपड़ा हो गया और ये टोटल इसका लेंथ है मान लीजिए 5 मीटर, और कह रहा है कि इतना इसमें से काट लिया गया, मान लीजिए इतना काट लिया गया, इतना इतना काट लिया गया, तो कह रहा है कि बताइए कितना बचा, तो 5 में से इसको क्या करेंगे। मान जैसे प्रैक्टिकली और एक बार समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है, और ये कितना कपड़ा है, तो 5 मीटर लॉन्ग है, और कह रहा है कि इसमें से 2 मीटर लगभग मान लीजिए ये काट दिया जा रहा है, तो ये क्या बचेगा, तो 5 में से जितना काटा जाएगा उतना क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आई होप आप इस बात को समझ गए, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ कितना है, तब 5 मीटर है। बोलिए किसी को प्रॉब्लम, टोटल जो कपड़ा है उसका लेंथ कितना है, 5 मीटर है। ओके समझ में आ गया। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ पीस कट ऑफ, कट ऑफ
यानी उसका पीस कितना काटा गया है, तो 2 मीटर 2 मीटर 85 सेंटीमीटर 2 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो अब पूछा है रिमाइनिंग पीस, तो अब लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ द, लिखेंगे यहाँ पे इसी से लिख दें लेंथ, दिखाई दे रहा है रेड से लिख रहे था लेंथ ऑफ द रिमाइनिंग रिमाइनिंग लेंथ ऑफ द रिमाइनिंग पीस इज इक्वल टू, अब 5 में से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए इसको कुछ बच्चे माइनस करने नहीं आएगा, कुछ बच्चों को ये माइनस करने नहीं आएगा कि सर 5 में से इसको कैसे माइनस करेंगे, तो आइए माइनस करके दिखा देते हैं। ये 5 मीटर है, आ इसमें 5 मीटर में माने सेंटीमीटर नहीं तो 0 0, आ 2 मीटर है, आ कितना है 2 मीटर के बाद 85 सेंटीमीटर है। माइनस करेंगे तो देखिए ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो 2। ये आंसर आपका हो जाएगा रिमाइनिंग 2 मीटर 15 सेंटीमीटर हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भले ही छोटा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी काफ़ी ईजी है, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। और देखिएगा कि ये 26 नंबर क्वेश्चन है 1C का, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पूरे डिटेल में जानेंगे और जानकर भी यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, पूछ रहा इन ऑर्डर टू मेक ए शॉट, आप एक ऑर्डर दिया गया एक शॉट को बनाने के लिए, ए लेंथ ऑफ द 2 मीटर 75 सेंटीमीटर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज नीडेड, मतलब इतना कपड़ा की जरूरत है, तो हाउ मच, मतलब एक समझे क्वेश्चन, एक शॉर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा की जरूरत है। तो वो कह रहा कि बताइए कि 16 शॉर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा की जरूरत है। हम कहें एक मार्कर बनाने के लिए वन पैकेट मतलब इंक की जरूरत है, तो 2 मार्कर बनाने के लिए कितना होगा, तो आपको ये सब 2 पैकेट काफ़ी इजी है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए इसको लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है, लिखेंगे वी नो डैट। देखिए क्यों लिख रहे हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए हम चाहते तो इसको मीटर से सेंटीमीटर में बदल सकते थे, लेकिन दोनों को एक यूनिट में करना, एक यूनिट समझते हो, जैसे या तो मीटर में चेंज कर दो या तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो आप ही बताइए किस में चेंज कर देते हैं। हम चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज कर देते हैं, क्या 1 मीटर इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर, तो इसको अगर हमको तो ये पता है कि इतना होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लोथ रिक्वायर्ड, लिखेंगे क्लोथ रिक्वायर्ड, क्लोथ रिक्वायर्ड, ठीक है, क्लोथ रिक्वायर्ड 1 शॉट इज इक्वल टू कितना है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 2.75 मीटर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, देखिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या लिख रहे हैं, और मैं कमेंट देख रहा हूँ उसके हिसाब से पढ़ाऊँगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए कि आप कमेंट में क्या बताएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हाईलाइट कर देते हैं इसलिए कि ध्यान दीजिएगा 2 मीटर 75 सेंटीमीटर को 2.75 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, हम आपको बता देंगे चेंज कैसे किया जाता है, या देख लीजिए कैसे किया जाता है, बता देते हैं। मान लीजिए कि 2 मीटर है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है, इसका भी उपाय है, देखिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर,
तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहने देते हैं इसी में, आप प्लस सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.75, इसमें ऐड करेंगे तो 2.75 हो जाएगा, जो यहाँ पे हम लिखे हैं ये मीटर में हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों मीटर में हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया। तब बताइए क्लोथ रिक्वायर्ड 1 शॉट इज इक्वल टू इतना, तो देयर फोर क्लोथ रिक्वायर्ड 16 शॉट, कितना शॉट, 16 शॉट इज इक्वल टू 2.75 इंटू 16, और जितना आएगा उतना हो गया आंसर। आई होप आपके समझ में आ गया हो, और समझ में आ गया तो वेरी गुड, और भी इसमें जो भी प्रॉब्लमें आ रहे आप कमेंट में हमको बताएंगे, कमेंट करके हम कमेंट आपका देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे व्हाट्सएप के जरिए किसी तरह आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर है 27। देखिए 27 जो क्वेश्चन है ये भी इन इसके पहले जो क्वेश्चन आए थे वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है। देखिए क्या अलग है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझे, फिर भी हम कह रहे हैं स्टूडेंट को, जिस स्टूडेंट को एक बार क्लास करने में अगर क्वेश्चन अच्छा से समझ में आए तो क्वेश्चन मतलब इस क्लास को आप 2 बार 3 बार जरूर कर लें, और इतने बार नहीं करने के बाद हमारे कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए या क्लास में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, आ क्वेश्चन का मतलब क्या है, आ क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज, मैंने 8 गो ट्राउजर आप लोग समझते हैं पहनते हैं बॉयज सब, तो कह रहा है सब आजकल तो सब पहन रहा है सब, तो कहने का मतलब जो ट्राउजर जो है 8 गो ट्राउजर बनाने के बनता है सेम साइज का, कितना ट्राउजर 8 गो, आ कह रहे हैं कि 1 ट्राउजर का मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं 14 मीटर 80 सेंटीमीटर यानी लगता है, माने 8 गो ट्राउजर बनाने में कुल कितना कपड़ा लगता है, तो 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ रहे हैं, मतलब 8 गो ऐसा ऐसा, मान लीजिए किसका एग्जांपल दें आपको, मान लीजिए शॉर्ट है, 8 गो शॉर्ट बनाने के लिए 14 मीटर कपड़ा लगता है, तो पूछा जाए 1 गो ट्राउजर बनाने के लिए, तो 8 से उसमें डिवाइड कर दीजिए आंसर हो गया। तो देखिए इसको भी वही करना, क्वेश्चन को समझिए, फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज, ये कह रहा है कि सेम साइज के 8 गो ट्राउजर बना रहा है जिसमें कपड़ा लग रहा है 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, क्लोथ इज द नीडेड, मतलब इतना कपड़ा की जरूरत है, तो पूछ रहा है हाउ मच क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ईच सच ट्राउजर, मैंने कह रहा है कि 1 गो ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा की जरूरत है। तो चलिए इसको समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, लिखेंगे वी नो डैट, क्या लिखेंगे, वी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो देखिए हम जानते हैं यहीं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, पता है ना आपको, पता है आप लोगों को भी पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू इतना होता है। तो आप लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड 8 ट्राउजर्स, क्या है 8 ट्राउजर्स है ना, ट्राउजर्स इज इक्वल टू कितना है 8 ट्राउजर के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम मीटर में चेंज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा बाबू 14.8 मीटर, ये मीटर में हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब लेंथ ऑफ क्लोथ लिखेंगे, अब लेंथ ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड 1 ट्राउजर इज इक्वल टू 1 ट्राउजर के लिए 14.8 में 8 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 8 का निकालेंगे तो 1 ट्राउजर का निकल जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए फिर से समझा देते हैं,
1 meter is equal to 100 centimeter लिखे हैं, तो 14 meter 80 centimeter को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 में डिवाइड करेंगे तो 0.8 होगा, इसमें ऐड कर देंगे तो 14.8 हो जाएगा। अब पूछा है कि एक ट्राउजर का बताइए, तो 8 ट्राउजर के जब इतना है तो एक को पता करने के लिए इसको डिवाइड किया जाता है। तो बहुत सिंपल है, आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, ईजी है। अगर ईजी नहीं रहता तो हम ही कर देते। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही कम है। माई डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहे हैं और ये क्वेश्चन बनेगा कैसा। जिस तरह हम क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं उतने देरों से और आप देखते रहे हैं कि सर कितना इजी क्वेश्चन है, तो मैं बता दूं जिस स्टूडेंट को लग रहा हो ना इतना ईजी है, तो प्लीज़ आप एक दो बार जरूर बना लीजिएगा, नहीं तो जो ज़्यादा ओवर एक्टिंग करता ना तो जल्दी उस क्वेश्चन फंसता है। तो इसलिए अगर आपको आता भी है ना तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 28 के बाद 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, चलेंगे अगले एक्सरसाइज में। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि द मास ऑफ ब्रिक इज 2 kg 75 g, यानी कह रहा है ब्रिक का मतलब होता है ईंट। ईंट देखें जैसे घर बना है, यह मकान जो बना है ना मेरा या आपका, किसी का भी जो मकान बनता है ज़्यादातर ईंट से ही बनता है, तो उसमें एक ईंट का कह रहे हैं कि जो मास है मतलब उसका वेट है 2 kg 750 g है। ईगो मतलब जो ईंट है उसका, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द 14 such bricks, यानी कह रहे हैं कि 14 ईंट का कितना होगा। तो कितना आसान है आप ही बता दीजिए। एगो ईंटा का मतलब ईंटा उसको बोलते हैं, एगो ईंट का वेट इतना है तो पूछ रहा है कि 14 का कितना है, तो बहुत आसान है। तो लिखेंगे द मास ऑफ सॉल्यूशन इसका, द मास ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू, ब्रिक इज इक्वल टू 2 kg 750 g। तो देखिए इसको चेंज करेंगे ना, ग्राम को आपको पता होना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख देते हैं वी नो डेट, ठीक है वी नो डेट। 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 g होता है, ठीक है याद रखिएगा। 1 kg 1 kg इज इक्वल टू 1000 g, तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 2.750 kg हो जाएगा। ओके, ये जीरो नहीं भी लिखेंगे तो इतना केजी हो जाएगा, मतलब द मास ऑफ ब्रिक मतलब एगो। तो यहाँ पे एक लिखे या ना लिखे वही होगा, ठीक है। अब लिखा है देयरफॉर मास ऑफ यहाँ पे लिखे हैं द मास ऑफ वन ब्रिक का इतना हुआ, तो मास ऑफ 14 ब्रिक इज इक्वल टू 2.75 इंटू कितना हो जाएगा 14, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। आप ही बताइए द मास ऑफ वन ईंट का जो मास है इतना है, तो 14 ब्रिक का मास कितना होगा, तो 2.5 × 14 ये आंसर हो गया। काफ़ी इजी है, आप लोग भी बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 की तरफ और देखते हैं वो कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। ये 29 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना बोर्ड पे, ये जो 29 नंबर क्वेश्चन है आप लोग जो देख रहे हैं ये काफ़ी इजी है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल मास ऑफ 8 packets इज इक्वल टू सेम साइज का है, 8 packet जो है वो माने 8 जो पैकेट है वो सेम साइज का है, और सेम साइज का है आई 8 packet का जो वेट है वो कितना है, 10 kg 600 g है। तब पूछा कि बताइए कि एगो पैकेट का मास कितना होगा, काफ़ी ईजी है। हम कह दें कि 8 packet है, पैकेट माने समझते बोरा भी समझ सकते हैं आप लोग हिंदी में जो बोलते हैं बैग जिसको बोलते हैं, बैग मतलब वो होते हैं वो नहीं, पॉकेट का मतलब होता है जैसे कि बिस्कुट हो गया, इससे बड़ा बड़ा जो पैकेट हो गया। कह रहा है कि 8 जो पैकेट है उसका वेट जो है वेट 10 kg 600 g है। तो पूछा कि एगो पैकेट का वेट बताइए, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे वी नो डेट क्या लिखेंगे, वी नो डेट में लिखेंगे कि वेट 1 kg = 1000 g, आपको पता है। तो लिखेंगे टोटल मास ऑफ 8 packets इज इक्वल टू कितना है, तो 10 kg
600 ग्राम है। तो देखो बाबू इसको क्या लिख सकते हैं, 10.6 केजी लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते नहीं भाई, जीरो नहीं लिखा जाता है। देखो स्मॉल 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.6 होगा और इसमें ऐड करोगे 10.6 केजी हो जाएगा। अब लिखेंगे मास ऑफ, देयरफॉर मास ऑफ वन पैकेट पैकेट इज इक्वल टू 10.6 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर देंगे आप आंसर हो जाएगा काफ़ी इजी है। इस तरह का क्वेश्चन हम कितना बता चुके हैं, और देखिए इसमें से कोई ही कोई ना एग्जाम में आएगा। अब कौन आएगा इसको हमको नहीं पता है, आपको सब के सब क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ना है और स्टडी करना है अच्छे तरह से। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और क्या पता कि ये लास्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए कृपया आप ध्यान से और दिलो दिमाग से देखिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कह रहे हैं ये काफ़ी इजी है, और इसका पिछले जो क्वेश्चन बताया वैसे ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये रोप एक रस्सी है, एक रस्सी का जो लेंथ है लंबाई है वो 10 मीटर है, मानी वही रस्सी हो गया, रस्सी तो है नहीं मान लीजिए कि रस्सी हो गया। देखिए तो आपके नज़दीक ला दिए, तो आप कैमरा मेरे पास ही है तो इसलिए नज़दीक भी ला सकते हैं, ठीक है। तो है 10 मीटर लॉन्ग यानी लंबा एक रस्सी है, इस रस्सी को डिवाइड किया जाए मैंने काटा जा रहा है, काटा जा रहा है 8 पीस इसको बना दिया जाए। कितना पीस, 8 पीस। कह रहा है कि 10 मीटर जो है डिवाइडेड 8 पीस में किया जा रहा है, जिसका सेम साइड है, साइज है, मतलब कि जितना हाई होगा उतना हाई होगा उतना, कितना पीस में काट देंगे, 8 पीस में। तो कह रहा है कि एगो पीस का बताइए, तो बहुत आसान है। तो चलिए देखिए कैसे बताएंगे, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन निकालना काफ़ी आसान है, तो लिखेंगे टोटल सोल्यूशन यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा सा ग्रीन वाला में इंक डालना पड़ेगा। लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना है, तो 10 मीटर है ना। ईच लेंथ क्या है, 8 पीस है ना, तो टोटल पीस नंबर ऑफ पीस लिखेंगे, नंबर ऑफ पीस इज इक्वल टू कितना है, टोटल नंबर ऑफ पीस यहाँ पर लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीस इज इक्वल टू 8 है ना। तो लिखेंगे ईच पीस इज इक्वल, ईच माने एगो पीस, तो टोटल कितना है 10, आए हो कितना 8, तो डिवाइड कर दिए हो गए। कितना आसान है आप सोच भी नहीं सकते हैं, इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन जितना भी हो आपको समझ में आया, और मैं इसी के साथ इस एक्सरसाइज का क्लोज करता हूँ, मैंने समाप्त करता हूँ। अब अगले एक्सरसाइज के लिए अगले क्लास में आप इंतजार करेंगे, और बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों से बताइए। और टाइमिंग जो है ये आपका 7 बजे से क्लास था, अब हो गया क्लास 7:30 से, तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट 7:30 पर लाइव मतलब क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप रेडी रहें, हमेशा रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।